उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के साथ साथ देश के अंदर आज 95 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। ये शाम के 5:09 पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहुत ही चर्चित सीट है संभल, और संभल की सीट पर वोट डालने से रोका जा रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को, कुछ कई इलाकों में रोका गया है। उनके मत पत्र, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर जो तस्वीर सामने है, वो फाड़ करके पुलिस वालों ने फेंके हैं। और जो ये वीडियो हम आपको अभी दिखाएंगे, ये वीडियो जाकिर अली त्यागी हैं, एक्स यूज़र और पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। तो जाकिर त्यागी ने ये वीडियो पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पर, जो हम आपको दिखाएंगे। वो लिखते हैं, पुलिस वालों ने पहचान पत्र भी छीन कर फाड़ दिए और मारपीट करते हुए कहा कि गाली है यहाँ पर, को वोट डालने मत आना। ये संभल के मतदाता हेलो चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे उनको संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, पुलिस के मुताबिक लोकतंत्र में अपने मत इस्तेमाल करने वाला संभल का मतदाता गाली खाने लायक बन गया है। इसके साथ मारपीट कर डॉक्यूमेंट फाड़े जा रहे हैं, जब ऐसा ही करना था तो चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। ये मामला संभल के पाकवाड़ा क्षेत्र के मंसूरपुर का है, ये जाकिर अली त्यागी ने लिखा है। संभल के मतदाता क्या कह रहे हैं वीडियो में आप देखें। पहचान पत्र आधार कार्ड पर्ची वर्ची सब छीन ली, गाड़ी पकड़ पकड़ खाच रहे हैं बाहर को। अरे यहीं जाके मारे, मारो सालों को जाके यार, ऐसा ना मरते ये देखें, ये चोट का निशान बच्चा दिखा रहा है। चुनाव आयोग को शायद इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आयोग जो है चुनावों का कार्यक्रम घोषणा करने के बाद वो कहीं सो गया है, खो गया है, गुम हो गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। देश के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं वो नफरत पर चल रहे हैं पूरी तरह। बड़े नेता, सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता नफरत की बात कर रहे हैं अपनी उनकी जो रैलियां हैं, रैलियों में, कार्यक्रमों में जनता से जो संबोधित करते हैं वहां पर सीधे सीधे धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग को कोई इससे परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। अब ऐसा मजाक तो भारत में हो सकता है, बराबर में पाकिस्तान में हो सकता है कि जहां चुनाव हों और इस तरह के चुनाव हों, यही लोकतंत्र बाकी बचा हुआ है। और हम दिखाते हैं वीडियो आपको, यहाँ देखें मुस्लिम महिलाएं हैं, वोट डालने आई थी, क्या कह रही हैं वो। ये आप देख रहे हैं वीडियो, और जो महिलाएं बता रही हैं वो आपने सुना। बता दें कि संभल की सीट उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान चुनाव मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो। जियाउर रहमान शफीकुर रहमान बर्फ साहब के ग्रैंडसन हैं। शफीकुर रहमान बर्फ साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर बड़ी हमदर्दियाँ हैं। एक सिंपैथी वेव जो कहलाती है वो मौजूद है। और ये भी जानकारी दे दें कि संभल की सीट पर 800,000 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख या 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा यादव मतदाता हैं,
तो MY समीकरण यहाँ पर बड़ा मजबूत है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है समाजवादी पार्टी की, और इस सीट पर कोई गुंजाइश नहीं बचती है समाजवादी पार्टी के न जीतने की। और दिखाते हैं वीडियोज आपको, यहाँ पर हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान हैं, जो खुद इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए आप सब लोग। वो वहाँ पे रह करके पर्ची बना है, लेकिन उनके बच्चों को छीन करके फेंच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो BLO है, अब BLO के मेरे पास वीडियो भी है कि वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी BLO है उनके भी बच्चे छीने गए। सरकारी BLO के बच्चे छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे के मतदान नहीं हो, चुनाव आयोग जाता है लाखों करोड़ रुपए खर्च कर अरबों रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है, और ये जो है परसेंटेज कम नहीं खत्म करने का काम कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो BLO है उनके पत्ते छीन लिए गए, उनकी वीडियो अगर आप कहो ये लड़के हैं, देखिए बोलता हिंदुस्तान ने एक पोस्ट की हुई है, वो लिखते हैं संभल पुलिस ने हमारी पर्ची छीन ली, ये मुस्लिम मतदाता बता रहे हैं, फिर लाठी मारकर भगा दिया, ये वोटर्स का आरोप है। बोलता हिंदुस्तान ये पोस्ट की है उन्होंने। यहाँ ये उच्च प्राथमिक विद्यालय ओबरी, आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ जो वोट डालने आए हुए हैं लोग, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनको मारपीट करके यहाँ से भगाया जा रहा है। वीडियो देखें आप, भारत समाचार के सौजन्य से ये वीडियो है। लाठियों की आवाज आप सुन रहे होंगे, अंदर पोलिंग बूथ के अंदर जो लोग वोट डालने पहुंचे हो उनको पीटा जा रहा है, बाहर पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं। अब ये किस तरह का मतदान हो रहा है चुनाव आयोग ही जाने, जनता के साथ जब ऐसा ही मजाक करना है, इसी तरह से लाठी चार्ज करके उनको मारपीट करके पोलिंग बूथ से भगाना है, तो आप क्यों चुनाव करा रहे हैं? आप नतीजे घोषित करें सीधे सीधे कि हमने इस पार्टी को या इस गठबंधन को जिता दिया है, उसकी सरकार बनवा देनी चाहिए। इस तरह का मजाक करना तो ये ठीक नहीं। यहाँ पर एक वीडियो देखें आप, भारत में जो न हो वो कम है, यह आप दाढ़ी वाले देख रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इनके साथ पीछे की तरफ आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये ज़ियाउर रहमान है जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं संभल से। वीडियो देखें थोड़ा, ले जा रही है पुलिस। प्रत्याशी की मौजूदगी में
जो उम्मीदवार मौजूद है उस वक्त उनकी मौजूदगी में ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। ये देखें एक बार और, धक्के मारे जा रहे हैं उनको, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और पोलिंग बूथ से बाहर ले आया गया है उनको। प्रत्याशी जियाउर रहमान यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो भी संभल का है। ये शख्स जमीन पे पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान ने इसकी तस्वीर पोस्ट की है, वीडियो भी है, लेकिन वीडियो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें कम्युनिटी वायलेशन का स्ट्राइक हमको मिल जाएगा। बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि संभल में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है, यह समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। ये सड़क पर जो शख्स पड़ा हुआ है, अब ये क्या हुआ है इसके साथ आप समझ सकते हैं। ये वीडियो सचिन गुप्ता के मार्फत है, सोशल मीडिया एक्स पर सचिन गुप्ता ने ये वीडियो पोस्ट किया है, नरौली विधानसभा क्षेत्र का वीडियो है। और यहाँ का जो भी नकली बताया जा रहा है यहाँ पे नरौली में, पुलिस प्रशासन जो है वोट नहीं डालन दे रहा किसी भी आदमी को। और यहाँ का जो भी डीएम है जो भी है यहाँ पे, ये आधार कार्ड देखें, इसे देखें आधार कार्ड को, ये नकली है तो हमें ये वीडियो भी सचिन गुप्ता के सौजन्य से है, उनकी कर्टसी टू सचिन गुप्ता, उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है। सुने इन वोटर्स को भी क्या कह रहे हैं। बड़ा वाहन जब वो डंडा बंडा फेर गया तब इधर उधर हो गए हैं। अच्छा पुलिस ने फेरा बिना वजह में और पर्ची छीन ली। अच्छा पर्ची छीन ली और डंडा फेरा ऐसे ही और फिर के ले गए बिना वजह में लाइनों में लगे हो गए। कौन सा गांव है? मंसूरपुर माफी असमोली विधानसभा। क्या नाम है आपका? निर्वेद। मतलब खाली पर्ची देख रहे थे अपने नाम की। अच्छा फिर अगर आते सारे डंडा फेरा कहीं अक्के मारे उसके। अरे ये तो हाथ निकल जाते तो ये दे देते पुलिस वाले। ये तो जाटा है क्या बहन के बदले आते सारे घर में मार रहे जी। चुनाव के वक्त जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं वो चुनाव के अधिकारी पोलिंग बूथ में पहुंचने पर देखते हैं कि आपके पास आईडी है या नहीं। यहाँ पर पुलिस वाले आधार कार्ड वगैरह जो आईडी प्रूफ है वो देख रहे हैं, जबकि इनका हक नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है ये। यहाँ सिर्फ तस्वीरें हम दिखाएंगे, ये देखें ये बुजुर्ग आ रहे हैं और इनको मतदान करने गई थी, इनको लाठी लगी है, इनको पीटा गया, घुटने पर अपनी चोट दिखा रही है। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है, पोलिंग स्टेशन के आगे मारा है बिल्कुल पुलिस ने। देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है। एक वीडियो और देख लें आप, ये भी संभल का वीडियो है। ये सभी लोग लौट के आए हुए हैं, ये वोट में डालन दे रही पुलिस, और यहाँ के आधार कार्ड भी छीन लिए लोगों के, औरतों के भी, औरतों को बहुत मार रहे हैं, गाड़ियाँ उखेड़ रहे हैं लोगों की, बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ डाले नहीं दे रहे वोट भाई, गाड़ियाँ उखेड़ रहे हैं लोगों की, पहचान पत्र छीन रहे हैं और जी मतलब ये है सब पर्चियां भी छीन के रख रहे हैं और मार रहे हैं, लट फेर रहे हैं सब पे। संभल के अंदर जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें जगह जगह से ये खबरें आई हैं कि पुलिस ने लोगों को मारपीट की है, भगाया है,
उनके जो पहचान पत्र हैं वो छीन लिए हैं। एक तरफा इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ ये कार्रवाई की गई है, उनके लोगों के को वोट डालने से रोका है। मुस्लिम इलाकों में वोटर्स को धमकाया गया, उनको भगा दिया गया और लाठी चार्ज किया गया है। खुद जियाउर रहमान जो प्रत्याशी हैं उनकी मौजूदगी में धक्का मुक्की और तमाम सारी चीज़ें आप देख चुके, वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा, क्या कोई कार्रवाई होगी, अब ये देखना है। देखना तो ये भी है कि आगे के वक्त में क्या होगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का ये चुनाव है, चार चरण यूपी में अभी और बाकी हैं और चुनाव की कमान इस वक्त अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद पूरा सब कुछ संभाल लिया है, तो अब यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी बाकी चार चरणों में तो वो ज़्यादा खतरनाक भी होंगी और बहुत कुछ होगा। एनडीए गठबंधन बेचैन है, परेशान है, जो खबरें मीडिया सोर्सेज से सामने पहुंच रही हैं उनके पास तक, उनके जो इंटरनल सर्वे हैं वो खबर दे रहे होंगे, इंटेलिजेंस खबर दे रही होगी क्या सूरत हाल है। हम जो खबर दे रहे हैं वो आप तक पहुंची जाएगी। संभल के अंदर फ्री एंड फेयर ये इलेक्शन चुनाव आयोग करवा रहा है, कितने फ्री हैं और कितने फेयर हैं ये आप देख सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से न सिर्फ रोका जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, दाढ़ियों पे हाथ डाले जा रहे हैं, ऐसी खबरें इस वक्त वहाँ से हासिल हो रही हैं। शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए और देखते रहिए टीवी जंग न्यूज़।